स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब्बानसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम एकाकी व्यापार पढ़ रहे थे। एकाकी व्यापार में मैंने आपको बताया था कि एकाकी व्यापार वह व्यापार होता है जिसका संचालन प्रबंध व नियंत्रण कौन करता है? अकेला व्यक्ति करता है। उसे ही क्या कहा गया था? एकाकी व्यापार कहा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि एकाकी व्यापार वह व्यापार होता है जिसमें व्यापार का प्रबंध, संचालन और नियंत्रण कौन करेगा? अकेला व्यक्ति करेगा। उसे ही एकाकी व्यापार कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हमने एकाकी व्यापार की कुछ विशेषताएं देखी थी। विशेषताएं देखने के बाद एकाकी व्यापार के कुछ गुण हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे एकाकी व्यापार की सीमाएं या दोष। प्यारे विद्यार्थियों, सीमाएं या दोष क्या होते हैं? सीमाएं या दोष एकाकी व्यापार की जो कमियां हैं वो होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो कमी है वो कमी है सीमित संसाधन। जो एकाकी व्यापार होता है उस व्यापार के अंदर व्यापारी के पास सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधन क्यों होते हैं? सीमित संसाधन होने का कारण क्या है? सीमित संसाधन होने का जो पहला कारण है वो कारण, प्यारे विद्यार्थियों, है क्योंकि इसमें जो भी संसाधन लगाता है वह संसाधन कौन लगाएगा? अकेला व्यक्ति लगाएगा। अब अकेले व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं। वह स्वयं के पास एकत्रित धन लगा सकता है। अपने सगे संबंधियों से वह धन एकत्रित करके व्यवसाय में लगा सकता है। इसके अलावा अन्य जो फर्में हैं वो उसे धन देने में संकोच करती हैं। इसलिए एकाकी व्यापार में जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, और संसाधन सीमित मात्रा में होने का कारण आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें संसाधन लगाने वाला है वह कौन होता है? वह अकेला व्यक्ति होता है। देखिए, एकाकी व्यापार में एकाकी व्यापार में एकल स्वामी के पास एकल स्वामी के पास संसाधन उसकी व्यक्तिगत बचत उसकी व्यक्तिगत बचत यहां पर उसकी व्यक्तिगत बचत का मतलब यहां पर किसकी बचत होगी? अकेले व्यवसायी की बचत होगी। एवं दूसरों से ऋण का मतलब है कर्जा या लोन लेना। किन से? दूसरे व्यक्तियों से, जो उसके परिचित हैं, जो उसके जानकार हैं, उनसे ऋण, दूसरों से ऋण लेने तक ही सीमित होते हैं। बैंक एवं ऋण देने वाले
संस्थान बैंक एवं ऋण देने वाले संस्थान एक अकेले स्वामी को ऋण देने में संकोच करते हैं, ऋण देने में संकोच करते ऋण देने में संकोच करते हैं अतः एकाकी व्यापार में सीमित मात्रा में संसाधन होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एकाकी व्यापार की जो पहली सीमा या दोष है वो हमने पढ़ा और समझा। पहली दोष या सीमा है वो है सीमित संसाधन। एकाकी व्यापार में संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। संसाधन सीमित मात्रा में होने का कारण मैंने आपको बताया कि इसमें जो संसाधन लगाने वाला है वो अकेला व्यक्ति होता है, वह अपने पास जो बचत की राशि है उसको व्यापार में लगा सकता है। उसके अलावा वह अपने जो निजी रिश्तेदार हैं, अपने जो मित्र हैं, अपने जो मिलने वाले व्यक्ति हैं उनसे ऋण ले सकता है। तथा एकाकी व्यापार तो बैंक और ऋण देने वाले जो संस्थान हैं वो भी अधिक मात्रा में ऋण नहीं दे पाते हैं, इसलिए एकाकी व्यापार में संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो दोष है या सीमा है वो हम देखते हैं कि अगला दोष या अगली सीमा है वो क्या है। एकाकी व्यापार में अगला जो सीमा है या दोष है वो है, प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सीमित जीवन काल। एकाकी व्यापार में व्यापार का जो जीवन काल है वह भी सीमित मात्रा में बताया गया है। इसमें व्यापार का अपने व्यापारी से पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। इसमें यदि व्यापारी स्वस्थ है, व्यापारी जिंदा है, व्यापारी पागल नहीं है, व्यापारी पैदाइशी मूर्ख नहीं है या व्यापारी जेल में बंद नहीं है तो व्यापार चलता रहता है, अन्यथा व्यापार बंद हो जाता है। इसका जो जीवन काल है वह व्यापारी के ऊपर निर्भर करता है। व्यापारी स्वस्थ है, व्यापार चलाने लायक है तो व्यापार चलता रहेगा, अन्यथा व्यापार बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर व्यापारी वह व्यापार का पृथक पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। जहाँ पर व्यापारी का अस्तित्व है वहीं पर व्यापार का भी अस्तित्व होता है, और जहाँ पर व्यापारी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है वहाँ पर व्यापारी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। देखिए, कानून की नजर में एकाकी व्यापार एवं उसका स्वामी उसका
स्वामी एक ही, स्वामी एक ही माने जाते हैं, माने जाते हैं। एकाकी व्यापार में कानून की दृष्टि से यदि देखा जाए तो व्यापार और व्यापारी को एक ही माना गया है, अर्थात इसमें व्यापार और व्यापारी का पृथक पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं माना गया है, बल्कि एक ही वैधानिक अस्तित्व माना गया है। स्वामी की मृत्यु अगर व्यापार में व्यापारी के स्वामी की मृत्यु हो जाए, पागल स्वामी की मृत्यु, पागल दिवालिया होना अथवा बीमारी से व्यवसाय प्रभावित होता है, प्रभावित होता है तथा इससे व्यवसाय बंद भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, एकाकी व्यापार की जो दूसरी सीमा या दोष हमने देखा, वो दूसरी सीमा या दोष है सीमित जीवन का। मैंने आपको बताया कि एकाकी व्यापार में कानून है, वह एकाकी व्यापार को और उसके व्यापारी को एक ही मानता है, उसका अलग अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं मानता है। यदि व्यापारी की मृत्यु हो जाए, व्यापारी पागल हो जाए, व्यापारी दिवालिया हो जाए या फिर किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाए तो व्यवसाय प्रभावित होता है और हो सकता है व्यवसाय बंद भी हो जाए। इसलिए इसमें इसका जो जीवन काल है वह सीमित माना गया है। तीसरी जो सीमा या दोष है वो हम देखते हैं। तीसरी सीमा या दोष है वो है असीमित दायित्व, असीमित दायित्व, असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार में जो सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी या सीमा है वो पाई जाती है, वो है इसके अंदर जो व्यापारी है उसका जो दायित्व है वह असीमित होता है, असीमित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, असीमित दायित्व एक सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ा दोष है किसका? एकाकी व्यापार का। एकाकी व्यापार में यदि किसी भी प्रकार से व्यापारी की मृत्यु हो जाती है, असीमित दायित्व में बताया है कि यदि व्यापार में हानि हो जाती है, वह हानि की भरपाई के लिए यदि व्यापार की जो संपत्तियां हैं वो पर्याप्त नहीं है, हानि की भरपाई के लिए यदि व्यापार की जो संपत्तियां हैं वो पर्याप्त नहीं है तो व्यापारी को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके भी उनका भुगतान करना पड़ेगा,
या उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे उसे अपनी निजी संपत्ति ही क्यों ना बेचनी पड़े, लेकिन उसे अपने दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा जो दोष है या तीसरी जो सीमा है वो है असीमित दायित्व। एकल स्वामित्व व्यवसाय का, एकल स्वामित्व व्यवसाय का सबसे बड़ा दोष, एकल स्वामित्व व्यवसाय का सबसे बड़ा दोष स्वामी का असीमित दायित्व है। सबसे बड़ा दोष स्वामी का असीमित दायित्व है। एकाकी व्यापार में जो सबसे बड़ा दोष है वो होता है एकल स्वामित्व व्यवसायी का असीमित दायित्व। और असीमित दायित्व मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, वह नुकसान की भरपाई के लिए व्यवसाय की संपत्तियां पर्याप्त नहीं होती हैं, तो उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेच करके भी उनका भुगतान करना पड़ेगा। यदि व्यवसाय में हानि हो जाती है, यदि व्यवसाय में हानि हो जाती है, यदि किसी कारणवश व्यवसाय में हानि हो जाती है, तो हानि की भरपाई हानि की भरपाई व्यवसायी को निजी संपत्ति में से निजी संपत्ति में से करनी पड़ती है इसलिए यहाँ पर एकाकी व्यवसाय की जो निजी संपत्ति है वह भी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। अगला जो बिंदु है वो हम देखेंगे, इसकी सीमाएं या दोष, जिसमें अगली सीमा या दोष है वो है सीमित प्रबंध योग्यता। एकाकी व्यवसाय में इसका जो दोष है वो एक दोष या कमी या सीमा यह है कि इसमें सीमित प्रबंध योग्यता पाई जाती है। सीमित प्रबंध योग्यता क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें प्रबंध से संबंधित समस्त जो कार्य है वो कौन करता है? अकेला व्यक्ति ही करता है, और अकेला व्यक्ति है वह सभी कार्यों में दक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें सीमित प्रबंध योग्यता पाई जाती है। ठीक है, देखिए सीमित प्रबंध योग्यता है वो पाई जाने का कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है कि इसमें सीमित प्रबंध योग्यता पाई जाती है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में
जो एकल स्वामित्व व्यवसाय है उसमें प्रबंध से संबंधित सभी कार्य अकेला व्यवसायी ही करता है तथा अकेला व्यक्ति सभी कार्यों में दक्ष नहीं हो सकता है। आता है इसमें सीमित प्रबंध योग्यता पाई जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने एकाकी व्यापार की सीमाएं या दोष पढ़े। थैंक यू।